नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में व्यावसायिक या साथ अभद्रता करने वाले दरोगा को किया निलंबित। रामनगर कोतवाली में बीती रात तैनात दरोगा एक स्टोन क्रेशर के स्वामी ऋषि सचदेवा के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में एसएसपी पंकज भट्ट ने रामनगर कोतवाली में तैनात दरोगा नीरज चौहान को तत्कालीन प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में एसएसपी ने आदेश भी जारी किया है। मामले में स्टोन क्रेशर स्वामी ऋषि सचदेवा ने पुलिस को तहरीर दी और बताया कि गुरुवार देर रात के किसी मित्र का लखनपुर क्षेत्र में विवाद हो गया था। इसको लेकर वह कोतवाली पहुंचा, जहां तैनात दरोगा नीरज चौहान से ऋषि सचदेवा ने कोतवाल से मिलने की बात कही। वही क्रेशर मालिक का आरोप है कि रामनगर कोतवाली में ही उसके साथ अभद्रता और मारपीट की है। इतना ही नहीं, दरोगा ने उसका कॉलर पकड़कर कपड़े उतारने की धमकी देने लगा। स्थानीय लोगों को जब इस बात की जानकारी मिली तो कोतवाली में लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्वामी ने मामले में दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। वही इस मामले में कोतवाल ने बताया कि पीड़ित ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामनगर संवाददाता पूरन चंद्र की रिपोर्ट। दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया, थोड़ा बताइए क्या है। देखिए, कल ऋषि सचदेवा थाने पे किसी काम से आए थे, जिनके साथ नीरज चौहान द्वारा अभद्रता की गई है। मेरे द्वारा प्रारंभिक जाँच के उपरांत उनकी अभद्रता करने की पुष्टि हुई, जिसके संबंध में एसएसपी महोदय को रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट के आधार पर उनकी सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है और जांच सीओ हल्द्वानी द्वारा की है। क्या थोड़ा बताइए इसके बारे में। हमारे एक रिजॉर्ट स्वामी के साथ कल यहाँ पर एक दरोगा जिसका नाम नीरज चौहान है, काफ़ी बुरी तरीके से मारपीट और बदतमीजी और गाली गलौज किया गया, जिसका हम लोगों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। तो उसके एवज में DGP साहब द्वारा उसको सस्पेंड कर दिया गया और हमारे द्वारा उसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की मांग की जा रही है। अभी आपकी सीओ साहब से बातचीत हुई, तो उसके क्या निर्णय? सीओ साहब ने हमें ये बताया कि एक जांच समिति उसके लिए गठित कर दी गई है ऊपर उच्चाधिकारियों द्वारा। उसकी रिपोर्ट आने के बाद फर्दर कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई भी की गई तो उसके बाद फिर हम अपनी द्वारा रणनीति विचार करेंगे।